हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल TS24 में। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। रिपेयर करने वाले हैं वन प्लस बड्स Z2। है दोस्तों, आपके पास वन प्लस के बड्स हों बट वो कोई दूसरे मॉडल के हों तो दोस्तों ये नहीं मैटर करेगा। अगर कुछ मैटर करेगा तो रिपेयरिंग का तरीका, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का तरीका सेम होता है तो रिपेयरिंग का तरीका भी सेम होता है। दोस्तों हम इन्हें घर पे ही और बहुत इजीली सरल तरीके से रिपेयर करेंगे। साथ में इनमें आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप भी करना चाहते हैं रिपेयर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हमारे एयरबड्स में कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं, जिनमें से पहली समस्या ये है कि ये जो दोस्तों इसकी चार्जिंग पिन लगी हुई है, इस चार्जिंग पिन में क्या हो जाता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं, किसी न किसी कारणवश यहाँ वाटर लग जाता है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करती है। तो आप वहाँ पर पेट्रोल डाल लीजिए, ये वर्क करने लगेगी। और दोस्तों दूसरी समस्या भी वही है कि ये देख पा रहे होंगे जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर भी कार्बन लग जाता है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करता या चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता तो कनेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आप पेट्रोल डाल लीजिए और उसके बाद ये वर्क करने लगेगा। और दोस्तों वन प्लस के हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि ये काफ़ी पुराने हो जाते हैं और कोई समस्या इनमें आ नहीं सकती, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है वन प्लस अपने एयरबड्स को। तो दोस्तों तीसरी समस्या क्या आती है कि दोस्तों इसकी जो बैटरी होती है, बड्स की बैटरी एक दो साल बाद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप चाहे जितना भी चार्ज कर लीजिए बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आपको इसकी बैटरी रिप्लेस करनी होती है। अगर इसकी भी बैटरी आपको लगता है कि ख़राब हो गई तो ऑर्डर करके आप इसकी भी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी बैटरी दोस्तों ऑर्डर की है, आप देख पा रहे होंगे सबसे छोटा साइज़ है बैटरियों का, क्योंकि और कोई साइज़ इसमें लगेगा नहीं। और कहाँ से दोस्तों ऑर्डर करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, एम टेक्निकल के आगे एक नंबर दिया हुआ है, उसी पे आप कॉल करेंगे। और ये आप बार कोड देख रहे होंगे, वहीं पर से ये जो सबसे छोटी वाली बैटरी है आप ऑर्डर कर सकते हैं। 70 रुपये की एक बैटरी आपको मिलेगी और उसके बाद इसी में आप फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स करना है वो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दूसरा नंबर है TS24 करके, जो मेरा नंबर है वो, अगर आप कोई समस्या है, आपकी कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ। दोस्तों कोई एक सा भी आप बड्स ले लीजिए, लेफ्ट या राइट कोई सा भी हो, आप एक बड्स ले लीजिए। और दोस्तों ये आप देख कर रहे हैं यहाँ पर गैपिंग दी हुई है, इसी गैपिंग में आप थोड़ा सा पेट्रोल एंटर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लू लगा रहता है। तो ग्लू क्या होता है कि वो ऐसे मेल्ट नहीं होता है, तो पेट्रोल में हीटिंग होती है उसकी वजह से ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, इसके बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से ओपन हो सकता है, वरना ऐसे ओपन नहीं होगा, ख़राब। दोस्तों ये देखिए थोड़ी सी गैपिंग मैंने आ गई है। दोस्तों आप ग्लू रिमूवर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ग्लू को मेल्ट कर देता है और आसानी से ओपन हो जाता है। बट दोस्तों कैसे भी करके आपको ओपन करना है और थोड़ा सा आराम से ही ओपन करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो अंदर टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जिसके बाद ये रिपेयर नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे ओपन कर दिया है। दोस्तों इसमें सारा सिस्टम बहुत आसानी से आपको करना है, ग्लू हटा हटा के ही करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ कट भी सकता है। दोस्तों ग्लू हटा के ही आपको काम करना होगा, अगर ग्लू नहीं हटाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वन प्लस जैसी कंपनियां हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं, इसीलिए इनको थोड़ा रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम है। पेट्रोल ज़रूर आप डाल दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्लू मेल्ट होगा। ये देखो दोस्तों इसकी बैटरी, मैंने इसको निकाल ली है बैटरी इसकी, पर स्पीकर के वायर आए हैं और ये दो बैटरी के वायर। तो दोस्तों हम इसमें अब देखेंगे हमारी बैटरी जो हमने ऑर्डर की है ये इसमें फिक्स होगी या फिक्स नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, अगर नहीं होगी तो हमें दूसरा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको फिक्स करके दिखाता हूँ कि इसमें ये दोस्तों
आप देख ही पा रहे होंगे वैसे तो हमारी बैटरी फिक्स हो रही है। ये दोस्तों सबसे छोटा साइज है इसलिए दोस्तों फिक्स हो रहा है। अगर फिक्स नहीं हो रहा इससे थोड़ा बड़ी वाली अगर आपकी बैटरी है तो क्या करना है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे ये जो कवर लगा हुआ प्लास्टिक का, इसको बस आपको ऊपर की तरफ ऐसे निकाल लेना है। ये ब्लैक वाली ये जो पत्ती है इसको बचा के, ये जो वाइट का है ये वाइट है इसको निकाल लेना है, फिर बैटरी इसमें फिक्स हो जाएगी। बट हमारी यही बैटरी फिक्स हो जाएगी तो हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, हम यही वाली बैटरी इसमें फिक्स कर रहे हैं। प्लस वाला है तो इस पर रेड वायर, दोस्तों मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों जो इस तरफ का था राइट साइड वाला वो वाला ब्लैक था तो उस पर वो माइनस था तो उस पर ब्लैक वायर, और ये लेफ्ट साइड वाला प्लस था तो इस पर रेड वायर। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे सही से मैंने सोल्ड कर दिया है। सही से सोल्ड करने के बाद दोस्तों इसी तरह हम इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए और दोस्तों इसके नीचे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे ताकि टच ना हो क्योंकि वो थोड़ा सा दूर ही है इसलिए। और दोस्तों उसी प्रकार हम इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों उसी प्रकार मैंने राइट साइड वाले के भी बैटरी रिप्लेस कर दी है जिस तरीके लेफ्ट साइड वाले की थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये देख सकते होंगे दोस्तों आपको लाइट दिख रही होगी ब्लिंक होते हुए, तो देख सकते होंगे आप कि हमारा बड्स चार्जिंग भी होने लगा। दोस्तों आपको अगर हमारा रिपेयर करना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो आगे टेक्निकल गैजेट्स पर वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके।